सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर। तप का दिन है आज, पांचवे तीर्थंकर का सुमतिनाथ भवानी जी का तप कल्याण है। और आज तपिए 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 और अपने जैन समाज के जैन तीर्थों के बारे में थोड़ा बहुत समझिए। पढ़ा आपने थम 100% बात सही है कि हमारे देश में मस्जिदें सुरक्षित हैं पर जैन मंदिर नहीं। आप विश्वास नहीं करेंगे पर चैनल महालक्ष्मी ने 32 मस्जिदों पर जो 300 साल पहले की भी है, 200 साल पहले की भी है, आजादी के समय की भी है, क्योंकि उससे पुरानी नहीं है, और जैन तीर्थ लगभग 30 के लगभग पर एक लगभग मोटा सर्वेक्षण किया। आप गंभीर नहीं कह सकते, एक ऊपर सर्वेक्षण किया उसके बारे में, उन तीर्थों में जो 2000 वर्ष पुराने भी हैं, 1000 वर्ष पुराने भी है, 500 वर्ष पुराने भी है और आजादी के आसपास के भी हैं, उनसे जो पाया उसे साफ लगता है कि आज की तारीख में इस भारत वर्ष में जिसका नाम हमारे भरत चक्रवर्ती भगवान के ऊपर पड़ा, प्रथम तीर्थंकर के ज्येष्ठ पुत्र पड़ा, उसके अंदर आज मस्जिदें सुरक्षित कही जा सकती हैं। या जो चित्र दिख रहे ना, सारी मस्जिदों में दिखा रहे हैं आपको, और जैन तीर्थ आज सुरक्षित नहीं है। इसके कई कारण जो हमने सोचे उस सर्वे में लगे वह आपके सामने आज कर रहे हैं। सोचिए गलती कहां हो रही है, चोट क्यों हो रही है जैन समाज के ऊपर। देख रहे हैं ये चित्र हम लगभग हमने 32 मस्जिदों के आसपास के लिए हैं, और आप देख लीजिएगा 95% मस्जिदों के आसपास पूरी आपको मुस्लिम बस्ती बसी हुई मिलेगी। देख रहे हैं आप चित्र में, मस्जिद बीच में चारों तरफ, या एक तरफ तालाब है, कोई कुंड है, कहीं दीवार है, पहाड़ी है, सारी बस्ती बस्ती, यानी प्रवेश के अंदर तक आप जाएंगे तो आंख कान बंद करके जाएंगे, और सॉरी नाक तो बंद करनी ही पड़ेगी तब प्रवेश कर पाएंगे आप। जैन मंदिरों के अंदर आप जाएंगे तो आज की तारीख में आधे तीर्थों के पास दूसरे धर्म स्थल धार्मिक स्थल बन गए हैं आज, उसके बाद बने हैं सारे, हम बहुत बता रहे हैं आपको। ऐसे बहुत कम है, हमें एक तीर्थ मिला कि जहां पर किसी धर्म स्थल तीर्थ था उसके पास हमारा तीर्थ बना, नहीं तो सब जगह 50% में आज दूसरे तीर्थ स्थल बन गए, और कई तो उसे पर अधिकार जमाने की ओर में। एग्जाम्पल में कहते हैं आपसे मंदारगिरी, आप देख सकते हैं, आप कह सकते हैं गिरनार कह सकते हैं आप इस तरीके से, अब एक बीच पोतो कह सकते हैं कुंडलपुर। इस तरह हमने 30 तीर्थों को जो सर्वे किया बता रहे, 40% ऐसे हमारे, हमने बताया ना वहां पर जहां चारों तरफ सारे आपको मंदिरों से तो दिखा रहे हैं, आपको कोई जैन मंदिर तीर्थ नहीं दिखा रहे आप, 40% ऐसे हैं जिसके आसपास जैन तीर्थ परिवार है ही नहीं। विश्वास कर सकते हैं आप, 40% हमारे तीर्थ आज इस तरह है, 30% ऐसे हैं जब मात्र 10 घर या उससे कम है, 10 तो ज्यादा बोल दिया हमने, कहीं एक घर है कहीं दो घर है। कड़िया कड़े से पालन होता है मुस्लिम संप्रदाय में उन मस्जिदों के लिए, अपने धार्मिक स्थल कड़े नियम रहे पूरी तरह पालन करते हैं, और हमारे यहां कोई नियम वियम नहीं है भाई, नियम है तो उनकी अनदेखी करने वाले जैन ही होते हैं। एग्जाम्पल देते हैं आपको, सम्मेलन शिखर जी पर जूते पहन के मत जाइए, तीर्थ है वहां कुछ मत खाइए, लेकिन 75% जैन करता है, नियम को तोड़ता है। हमने आज अपने तीर्थों के सर्वेक्षण में यह है पाया है, उनकी रखरखाली करने के लिए मस्जिदों की रखवाली के लिए 100% मुस्लिम संप्रदाय, 100% जैन धार्मिक तीर्थों के क्षेत्रों के अंदर 75% पुजारी और कर्मचारी जैन नहीं है। कितना बड़ा अंतर है। आचार्य श्री विद्यासागर जी पता क्या कहते थे, गिरनार के बारे में एक बार चर्चा हुई थी पहले एक सज्जन से, और की थी उन्होंने, जब हम शिरपुर गए तब बात की थी, तो उन्होंने साफ कहा था, मैं 10 साल पहले बता चुका हूं, अगर किसी तीर्थ को बचाना है तो आसपास वहां पर जैनों को रोजगार के स्थल बनाओ, जैनों को परिवार को रहो, जो मध्यम दर्जे के कुछ हो उन्हें आप पालो पोसो और वहीं उनको रोजगार दो, तो अपने तीर्थ को बचाने की बात कर पाओगे। गलत नहीं कहा था, सही कहा था, तभी तो कहते 75% में आज हमारे ना पुजारी ना कर्मचारी, और फिर सोचता करते हैं कि जैन तीर्थ बचता क्यों नहीं है। मस्जिद से जुड़े 75 से 90%, वैसे हम कम खींच के बता रहे हैं यहां पर, इतने मुस्लिम संप्रदाय लोग जुड़े रहते हैं मस्जिद से, 75 से तो कम बोला है, 90 और 90 से ऊपर ही होंगे जैन मंदिर से वहां पर, आज की तारीख में 20 से 25% अगर हम कहते हैं तो समझ लिए ज्यादा कहते हैं। यही फर्क है कि आज हमारी देश में मस्जिदें सुरक्षित हैं कह सकते हो, लेकिन जैन तीर्थ सुरक्षित नहीं है। एक एक छोटा सर्वे बहुत बड़ी बात कर रहा है, निचोड़ के समितियों कमेटियों के लिए कुछ सोचने की मजबूर करता है। सुधारें अपने को, कहां कहां गलती है उसको सुधारेंगे तभी अपने तीर्थों को सुरक्षित रख पाएंगे। अभी एक मुंबई का ऑक्शन रोका था ना,
बहुत से लोग गए, हमने रोका हमने रोका हमने रोका, चलो आप सब ने रोका, बहुत बहुत धन्यवाद। एक फिर पेरिस का बताया था, कोई आगे नहीं आया। आज आप बता रही हैं ओरिएंटल आर्ट कलेक्शन, नीदरलैंड से हैं और यह अनेकों तीर्थंकर प्रतिमाएं बेच रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, आराम आराम से बोल रहे हैं जिसे आपकी समझ में आए। कल बाद में ये मतलब खोपड़ी में उतरा नहीं था। देखते हैं कौन लोग कितने आते हैं, आपको दिखा देते हैं कि एक तो ऑक्शन आज हो रहा है, 16 मई है ना, आज ही हो रहा है, उसमें एक हमारी प्रतिमा भी हो रही है। ध्यान रखिएगा, हमने कोशिश की, हम नहीं कर पाए, रोक पाए, इसलिए आज आपके पास खटखट आ रही है दरवाजा, क्योंकि वैसे हम नहीं जग पाते हैं। जब सामने चौक जाता है जागते रहो, तब जागने की कोशिश करते हैं, नहीं तो वैसे तब भी हम सोते रहते हैं। ये नीदरलैंड के दिखाते हैं आपको, अब दिखाते हैं इनके इस साइट के अनुसार किस तरीके से खरीद फरोख्त जैन प्रतिमाओं की हो रही है, जो वही हजार साल पुरानी है, जिसके बारे में कुछ को कैसे बदल रहे हैं। पहले आपको दिखाते हैं आदिनाथ प्रतिमा के साथ। अब देखिए आप, वेबसाइट का दावा है कि 6 किलो के वजन की यह प्रतिमा 9 इंच हाइट में 4 इंच विड्थ में है। यह जैन तीर्थंकर प्रतिमा है, इतना कहा है, लेकिन यह आदिनाथ भगवान की है ये नहीं कह पाए, नहीं पहचान पाए। सबसे प्रशस्ति मिटा दी जाती है, तस्करों द्वारा इसमें द्वारा विदेशों में बेची जाती है और वहां से फिर बाकायदा रसीदों से पक्की बन बनकर एक पक्की बन जाती है। लंबे कान और बाल देखकर ही स्पष्ट है ये आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है। कहते हैं पश्चिमी भारत की है, कैसे आई है कोई मतलब नहीं है, और एकदम ध्यान मुद्रा में पद्मासन श्वेत प्रतिमा एक मनमोहक रूप से है, जिसकी आज बिक्री के लिए बाजार में खड़ी है। बिल्कुल वैसे ही मिलती जुलती प्रतिमा दूसरी है, ये 9 इंच नहीं 7 इंच बाई 4 इंच की है और इसका वजन है 3 किलो, आधी है वजन से। ये महावीर स्वामी की प्रतिमा है, इस पर से भी लांछन और प्रशस्ति बिल्कुल समान, और शक्ल से बता रही है प्रतिमा, देख कर देखते आपको देखते हैं ये 1000 या 700-800 वर्ष से कम प्राचीन नहीं है। ये भी पश्चिम भारत से स्मगल करके बाहर पहुंची और फिर बाकायदा पर्चियों बन बनकर यह ब्लैक मार्केट से ग्रे होते होते व्हाइट मार्केट में आ गई और आज बोली के लिए तैयार लगी है। लगाओ बोलियां पूरे विश्व से कहा जा रहा है। ध्यान मुद्रा में जैन भगवान को आप प्राप्त कर सकते हो। गजब तो तब होता है जब ये तीर्थंकर प्रतिमाएं बुद्ध के नाम से लगाई जाती है बोली। देख रहे हैं आप, ये जो मस्तक के ऊपर असर दिखा रहे हैं यह किसी तीर्थंकर प्रतिमा का है। पूरे पूरे जो हाव भाव हैं स्पष्ट बता रहे हैं, लेकिन ग्रे मार्केट में समय बुद्ध के नाम से 5.5 किलो की यह प्रतिमा बिकने को तैयार हो रही है। यह भी लगता है कि जैसे मुगलों के समय आता था, यूं जब समय किया होगा तब की यह प्रतिमा धड़ो के, ऐसी हजारों प्रतिमाएं आज हमारे देश में पड़ी हैं और कितनी बाहर चली गई, उनमें से एक प्रतिमा ग्रे मार्केट पहुंचते पहुंचते वही होगी। अप्सरा के नाम से यह प्रतिमा है, वास्तव में यह यक्षिणी प्रतिमा साफ दिख रही है। 6.5 किलो वजन की यह प्रतिमा भी आज बोली के लिए है। ऐसी अनेक प्रतिमाएं हैं, आपको 4 बताई हैं। इस बारे में हमने बहुत कोशिश की नीदरलैंड में बात करने की, संपर्क करने की, लेकिन कोई आशानुरूपक जवाब नहीं मिला। फिर हमने एनसीए में यह पत्र भी दिया है आज, और गुंडे जी से बात की तो उन्होंने कहा हम कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि उन देशों में क्या नियम कानून है उसके तहत ही कार्य होती है, पर आपकी बात को वहां तक पहुंचाने का हम आश्वासन दिलाते हैं। कोशिश करिए आप लोग भी, जिन सबने कहा अपनी अपनी पीठ थपाई थी ना कि हमने किया हमने किया हमने किया, और मुंबई का आश्वासन, वैसे मुंबई घर में एनसीएम का सबसे बड़ा योगदान है, तो थाने में जाकर उन्होंने ये चिट्ठी लिखकर दी बाद में, जो आज चैनल महालक्ष्मी के पास भी है। पर ये देख रहे हैं आप, ये जो हमने शिकायत की एनसीएम को, उम्मीद करते हैं कि हमारे में कुछ सहयोग इस सरकारी संस्था से हमें मिल पाए। ये सारी जानकारी हमें ऋतिक जैन ने भेजी। आज हमारे जैन एक्टिव ग्रुप के नाम से हमने जा को शुरू किया जेएजी, उसके 100 से अधिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उसमें से एक्टिव 10-15 ही, ज्यादा नहीं है, लेकिन होता है ना शुरू में जोश आता है, हाँ हम भी, हमने जा ग्रुप बनाया इसलिए है कि जैनों के बारे में कोई भी जागरूकता करना है, आप हमें एक विशेष ग्रुप बनाया हुआ है उसमें जोड़ दिया होता है कि आप उसमें जुड़िए। उन सबसे हम नाम पता मोबाइल नंबर और उनकी फोटो लेते हैं, कार्ड डिजिटल भेजते हैं, और फिर उनसे हमारे फिर इस तरह से सूत्र मिलते हैं, जैसे ऋतिक हैं, सूरज हैं दिल्ली से, आर्यपुर से, इस तरह लोग कई जुड़े हुए हैं जो इस तरह की जानकारी भेजते रहते हैं। आप भी इच्छुक हो तो जुड़िए, यह उन लोगों का ग्रुप बन रहा है जो अपने जैन समाज में संस्कृति में कुछ जागृति चाहते हैं, कुछ करने को आतुर होना चाहते हैं। एक पुराना वीडियो दिखाते हैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज का, कोरोना काल का है, तब एक ने पूछा था उनसे इस कोरोना काल में आपसे कोई मिलने तो आ नहीं रहा है, भीड़ है नहीं, इस समय आप क्या चिंतन करते हैं। मैं बहुत कहा,
हम भगवान के पास जाने का चिंतन करते हैं, पर कैसे जाएं यह समझ नहीं आ रहा, कर्मों का कैसा योग है। कुंद आचार्य के बारे में कहते हैं इस पंचम काल में है, हाँ वह उन पर ऐसी रिद्धि नहीं थी कि वह खुद चले जाएं, देवता कर उनको लेके गए थे विदेह क्षेत्र में जहां जाने का आचार्य श्री का भी मन है। उन्हें बताया कि उस समय जब लेके गए इस भरत क्षेत्र से तब यहां पर रात थी, वहां पर दिन था, लेकिन वहां क्योंकि रात से आए थे इसलिए वहां उन्होंने आहार नहीं किया था, ऐसा उन्होंने कहा हमने सुना है। समंत भर स्वामी के बाद अरे हमसे क्यों सुनते हो, सुरा सुनिए। जाते जाते आचार्य पूरा पूरा करोना काल में उनका चिंतन कितना ऊंचा और कहां तक पहुंच चुका था, सुनिए जरा गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज से। और फिर मिलेंगे आपसे सुबह शाम 8 बजे पर, ये पूरा सुनिए, बहुत आनंदित करने वाला वीडियो, अपने अपने कहते हैं बाहर से अंदर की यात्रा के लिए एक पथ दिखाने वाला है, सुनिए जरा। आचार्य श्री इस काल में जब आपके पास भीड़ नहीं थी तब ऐसे क्या चिंतन आप करते थे आचार्य श्री? आपके पास भीड़ वगैरह लगी रहती थी, ये समय में भीड़ वगैरह बिल्कुल है नहीं, तो आचार्य आप ऐसा क्या चिंतन करते थे ऐसे काल में? करूं कि योग है, आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पाते, और हम यहाँ से भगवान के पास जाना चाहते हैं लेकिन रास्ता ही नहीं। आचार्य जी भगवान के पास? हाँ साक्षात भगवान जी यहाँ से विद्यधारी मुनि महाराज वगैरह जब चाहे। अच्छा हाँ पहुँच जाते हैं विदेह क्षेत्र में। हाँ एक साथ 170 भी पृथ्वी हो वहाँ पर रिद्धियों के माध्यम से जा सकते हैं महाराज लोग। अच्छा 170 पे हम तो याद ही करके रह सकते हैं। बहुत टिकट के बिना जैसे रेल में इतना में देख नहीं सकते ऐसा है। महाराज यहाँ से उनके पास रिद्धि नहीं थी लेकिन देवों के द्वारा ऊपर ले गए। यहाँ पर रात है तो वहाँ पर दिन है, वहाँ दिन है तो रात है, सुनते हैं तो वहाँ पर दिन तो रात था। वो हमारा भरतखंड के पीछे उन्होंने आहार ही नहीं दिया। ऐसा हुआ सुनते हैं। अच्छा समंत भद्र महाराज के लिए भी कहते हैं ये भी भविष्य में कहते हैं ऐसी विभूतियाँ हैं।